सबको पसीने आ गए मेरी माताओं, कोई उस पादरी के प्रश्न का जवाब दे क्या। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये वीडियो आप लोगों को बहुत हैरान करने वाला है, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी आप जिस बाबा को देख रहे हैं जिसका नाम है स्वामी सच्चिदानंद महाराज, इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में एंड साथ ही अपने देवी देवताओं जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनके बारे में कुछ बातें कही हैं। एंड साथ ही इन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, पूरी संसार की लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सो बता दूं ये वीडियो किसी भी धर्म या जात को टारगेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया, परंतु सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। देन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं। सबको पसीने आ गए मेरी माताओं, कोई उस पादरी के प्रश्न का जवाब दे कैसे। कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के अंदर गया, आदिवासी क्षेत्र के अंदर गया, वहां क्रिश्चियन लोगों ने 13 परिवारों को हिंदू से क्रिश्चियन बना दिया। मुझे जब वेदना हुई मैं उन लोगों के पास में गया, उनकी पूरी फौज एकत्रित थी, बहुत सारे हिंदूवादी संगठन भी वहां मौजूद थे। और जब मैं पहुंचा मैंने पूछा, भाई क्या बात, क्या दिक्कत हो गई, आपको कृष्ण अच्छे नहीं लगे, आपको भगवान राम अच्छे नहीं लगे, आखिर ईसा मसीह में कौन सी ऐसी विशेषता थी कि आप लोग राम कृष्ण के बेटों ने आज राम कृष्ण को तिलांजलि दे करके ईसा मसीह को अपना भगवान मान लिया। वो व्यक्ति मेरे से कहने लगा, स्वामी जी एक तरफ तो ईसा मसीह है कि जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बना करके सिर पर रख करके और शूली पर चढ़ गए, एक तरफ आपके भगवान कृष्ण हैं जो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके और पेड़ पर चढ़ गए, आप मुझे बताइए ईमानदारी से ईसा मसीह अच्छे या आपके कृष्ण अच्छे हैं। वहां बहुत सारे तिलक लगाने वाले लोग बैठे थे। मैंने उनकी तरफ संकेत किया कि इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। सबको पसीने आ गए मेरी माताओं, कोई उस पादरी के प्रश्न का जवाब दे कैसे। अरे हमने ही तो कृष्ण को कलंकित किया है, आज उस पादरी की क्या औकात थी जो भगवान कृष्ण पर आक्षेप लगा देता। ये आक्षेप किसने लगाए, हमारे लोगों ने लगाए, और हम लोग ईसा मसीह को गाली दे रहे हैं, क्रिश्चियन लोगों को गाली देते हैं, मुसलमान लोगों को गाली देते हैं कि हमारे भगवानों पर वो लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। कृष्ण के बारे में ये लिख दिया, देवी दुर्गा के बारे में ये लिख दिया, भगवान राम के बारे में ये लिख दिया, वो कहां से लिख रहे हैं, उनके पास प्रमाण कहां से है, कहां से विषय लिया है, आपके तो ग्रंथों से लिया उन्होंने। अभी दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि इस बाबा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें कही हैं जो डेफिनेटली सच हैं, उनमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो बातें सच नहीं है। यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है, और प्रभु यीशु मसीह ने संसार की हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मनुष्य जाति जो आने वाला है उसके लिए भी सबने प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सबके पापों के लिए अपने आप को दे दिया, ये सत्य है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी इस बाबा की, जिन्होंने ये सत्य को बोला। लेकिन दोस्तों ये बात मुझे इस बाबा की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी जो कि ये बोल रहे हैं कि ईसाई पादरी लोगों का मतलब ब्रेन वॉश करते हैं, और उनके बारे में जो इनके हिंदू देवी देवता हैं इनके बारे में लोगों को तरह तरह की बातें बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इस बाबा को कह देना चाहता हूँ कि कभी भी जो ईसाई पादरी हैं या फिर ईसाई लोग हैं, किसी भी हिंदू धर्म या फिर किसी भी और धर्म के देवी देवताओं को या फिर किसी के भी ईश्वर की कभी भी निंदा नहीं करते, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन इंसान किस पर विश्वास करता है, कौन किस पे विश्वास नहीं करता है। हम सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और हमेशा यीशु मसीह ही की बड़ाई करते हैं, क्योंकि बाइबल हमारे पास इतनी बड़ी है कि उस बाइबल को अगर हम प्रचार करना शुरू करते हैं तो पूरी ज़िंदगी भर में हम उस बाइबल का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल के अंदर इतनी मतलब खजाना छुपा हुआ है वो कभी प्रचार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी एक बात है जो हमारे और प्रभु यीशु मसीह को ले आती है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में ले आती है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस जगत के पापों को अपने पर उठाया है और प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया, ये सत्य है। लेकिन दोस्तों कभी भी कोई भी पादरी, कोई भी विश्वासी किसी भी देवी देवता, किसी के भी धर्म का कभी निंदा नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अब बहुत से लोग हैं जो बोलते तो है लेकिन किसी ने इस बात को साइंटिफिक सच्चाई सामने रखी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह तो सिर्फ इस संसार में इसलिए आए ताकि वो दुखियों की और अनाथों की सुधि ले,
और सबको एक अनंत जीवन दे, पापियों के पापों को क्षमा करे। यही प्रभु यीशु मसीह का इस आने का मकसद था। और जो कोई विश्वास करता है वो आज प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाता है, उसके पाप क्षमा होते हैं और उसको एक अनंत जीवन मिलता है। प्रभु आपको आशीष दे।